नियम आपसे जानने के लिए है कि जो भी जयंती करने जा रही है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की, आप उसके बारे में देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी देशवासियों को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 127वीं जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश जो है बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं उनका आचरण करें, उनको देश में जो एकता और अखंडता का सूत्र दिया उसका पालन करें और सभी मतलब करें। जो संविधान में जो हमारे लिए जो कर्तव्य हैं देश के प्रति उनका भी पालन करें और उनकी जो बताई गई बात अनुसार करें। आप जैसे ये जो जगह जगह पर धरने जो बैठे हैं बीमारी वाले, जरा इन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि शांतिपूर्वक ये अपना धरना जारी रखे और कोई ऐसा कदम ना उठे जो सरकार को हानि पहुंचे? जी हमारे संविधान में अपने विचार अभिव्यक्ति का अधिकार सभी को दिया गया है। भीम आर्मी के जो लोग हैं उनका धरना प्रदर्शन अपने लिए जायज है, लेकिन संविधान में कहीं भी ऐसी इजाजत दी गई कि हम अपने धरने को अहिंसक रूप दें, अपनी बात को क्या मीडिया में पहुंचाएं, मीडिया इस बात को हमारे जो है कार्यपालिका तक पहुंचाएगा, न्यायपालिका तक पहुंचाएगा इस मामले को, लेकिन वो शांतिपूर्ण ढंग से, न कि हम उसको जो है अहिंसात्मक रूप से उसका जो है दुष्प्रभाव होता है और शांतिपूर्ण जो है हमें जो है अपनी जो है बात को रखने का जो है वो हमें संविधान में अधिकार दिया, उसी कार्य में पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सभी देशवासियों को, सभी नगरवासियों को, सभी गांववासियों को प्रधानमंत्री की तरफ से भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं, सबको बधाई देते हैं। और प्रधानमंत्री का कहना यह है कि सभी लोग जो लोग धरने बैठे हैं भीमारी वाले, वो ऐसे ना करें जो सरकार को हानि पहुंचे और जो संविधान लिखा है संविधान के हिसाब से धरना जारी रखें, किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बात न करें।